कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शब्बा खैर दोस्तों, भूपेश आनंद दोस्तों, मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएमए, मैं लंदन, मैं अमेरिका। उम्मीद है कि आपने मेरे दो वीडियो लेक्चर्स, एक सिलेबस को लेकर और एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इंट्रोडक्शन को लेकर आपने जरूर देख लिए होंगे और एक आपको आइडिया लग गया होगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या, जबकि हमने पूरा अभी चैप्टर पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझना है। एक बर्ड्स आई व्यू दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हाउ मेनी चैप्टर्स आर इंक्लूडेड इन माय सिलेबस, हाउ आई कैन अटेम्प्ट 60 मार्क्स फ्रॉम दिस पेपर, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स व्हिच आर कवर्ड। तो फ्रेंड्स, टुडे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट लेक्चर ऑफ वर्किंग कैपिटल। दोस्तों, पहला लेक्चर जो मैं आज करने वाला हूँ ये छोटा सा लेक्चर है और इस लेक्चर में मैं ये बताना चाहता हूं कि आपको किस तरह से प्रेफरेंस रखनी है, आपको कैसे वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, कौन से चैप्टर के पहले देखने हैं, कौन से चैप्टर के बाद में देखने हैं, क्योंकि जो हमारे को स्टडी मटेरियल मिला है बेटे, उसमें 9 चैप्टर्स आर गिवन टू मी, बट वो लिंक्ड नहीं है, आपको लिंकेज के हिसाब से देखना है। तो आज की जो क्लास है, ये जो लेक्चर है, छोटा सा लेक्चर है और इसका ऑब्जेक्टिव है कि आपकी आने वाले दिनों में क्या मेथोडोलॉजी होनी चाहिए पढ़ने की और वर्किंग कैपिटल में क्या आपको करना है, कितने लेक्चर्स हैं टोटल, मैंने कितने लेक्चर्स छोटे छोटे दिए हैं। और बेटा, सारे लेक्चर्स छोटे छोटे हैं, 15 से 20 मिनट के, कुछ लेक्चर्स बड़े हैं जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने हैं, वो सब मैं आपको बता दूंगा। आपको मैंने बोला था लास्ट लेक्चर में कि प्लीज अपना रजिस्टर जरूर लेकर रखें, चेयर और टेबल में बैठ के पढ़े, मोबाइल फोन बिल्कुल बंद कर दे, इरादे बुलंद हो तो बेटा भगवान को ऊपर से नीचे लेके आ सकते हैं, ये तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है सीएस एग्जीक्यूटिव का, क्या प्रॉब्लम है दोस्तों। आइए आइए, रजिस्टर ओपन कर लीजिए। मैंने लिखा है, देखिए, आज बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल, आपके लिए लिखा है बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। और बेटे, मैंने लास्ट लेक्चर, इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में आपको शाहरुख खान की बात बताई थी, ओम शांति ओम मूवी में से शाहरुख खान ने आपको क्या बताने की कोशिश की थी कि अगर आप कोई चीज मन से चाहे तो पूरी कायनात उसको आपको देने में मदद करती है, पूरा नेचर, बेटे जो नेचर चल रहा है सब मदद करेगा, लेकिन पॉइंट है कि आपको पहले पूरी शिद्दत, पूरी मेहनत लगानी है, वही आज का विचार है बेटे। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। बेटे, इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद आज आपको ये कहने जा रहा हूं कि मैं सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको कौन सा चैप्टर देखना चाहिए, फिर सेकंड कौन सा देखना चाहिए, फिर क्या, इस सभी श्रृंखला मैंने आपको बताई है। आइए, एक बार रजिस्टर ओपन कर लिया है आपने, प्लीज लिखेंगे, फॉलोइंग इज द रिकमेंडेड प्रेफरेंस फॉर वॉचिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट वीडियो लेक्चर्स। बेटे, ये प्रेफरेंस है जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के वीडियो लेक्चर्स करेंगे तो बेटे ये प्रेफरेंस फॉलो करनी है, इस प्रेफरेंस को हमें फॉलो करना है। कौन सी प्रेफरेंस, सब बताऊंगा बेटे। बेटे, एक बात मैं आपको बताऊं कि अगर आपने मेरी बुक को देखा हो, थोड़ा सा बुक देख लियो, तो बेटे बुक का ये इंडेक्स है जो मैंने प्रिपेयर किया है, और मैंने सिलेबस वाले लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था जो इंस्टीट्यूट ने हमारे को सिलेबस दिया है। बेटे चैप्टर्स वही हैं, मिलते जुलते वही चैप्टर्स हैं, एक आध आगे ऊपर नीचे मैंने कर दिया लिंकेज के हिसाब, और एक चैप्टर को कई जगह, एक दो चैप्टर्स को मैंने, एक चैप्टर को दो तीन छोटे छोटे चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है। जैसे बेटे पहला चैप्टर इंस्टीट्यूट का भी यही है, हमारा भी यही है, नेचर, सिग्निफिकेंस एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बेटे, हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बातें करेंगे। मैंने जो लेक्चर 1 लिया ना इंट्रोडक्शन का, आप मानिए वो ट्रेलर भी नहीं है, अभी पूरी डिस्कशन करेंगे हम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की थ्योरी को समझेंगे। बेटे, ये चैप्टर 1 इंस्टीट्यूट का भी है, हमारी बुक का भी है। बेटे, चैप्टर 2 एक्चुअली में इंस्टीट्यूट ने चैप्टर 2 ही दिया है, उसका नाम रखा है कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। लेकिन बेटे, मैंने
उसको दो भागों में डिवाइड किया, टू ए रखा है कैपिटल बजटिंग डिसीजंस और टू बी रखा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। चेक कर लीजिए, दोनों ही कैपिटल बजटिंग में आ रहे हैं, लेकिन मैंने उसको एक पार्ट को लिखा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी टू ए और टू बी कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। तो बेटे मैंने क्या किया है, आपको पे नंबर तो ठीक है हर बुक में होते हैं, लेकिन मैंने उस चैप्टर को कितने कंसेप्ट में डिवाइड किया है बेटे। जैसे पहला जो चैप्टर है उसको चार कंसेप्ट में डिवाइड किया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को 14 कंसेप्ट में डिवाइड किया, कैपिटल बजटिंग डिसीजन को 51 लेक्चर्स 51 कंसेप्ट में डिवाइड किया है। तो इस तरह से मैंने हर चैप्टर को कंसेप्ट वाइज डिवाइड किया और उसके आगे मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी लिखे हैं कि भाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं, इसमें कितने, वो सब देख लेंगे दोस्तों। कोई घबराने की और कोई परेशानी की बात नहीं है, सब देखेंगे। आप पहले आराम से मेरी इस बुक का कार्यक्रम समझ लीजिए बेटे। इंस्टीट्यूट ने चैप्टर 3 दिया है कैपिटल स्ट्रक्चर, तो चैप्टर 4 दिया है सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मैंने क्या किया, उस चैप्टर को दो भागों में डिवाइड किया, एक चैप्टर 3 बेटे फाइनेंशियल डिसीजंस, इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर भी है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी है, लिवरेजेस भी है, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स भी है। इसका मतलब इंस्टीट्यूट का चैप्टर 3 और 4 मैंने एक ही चैप्टर 3 में डाला और एक अलग से चैप्टर रखा बेटे राइट शेयर्स का। बेटे क्वेश्चन आता था पहले ओल्ड सिलेबस में भी, आज हम राइट शेयर्स की बातें भी करेंगे। और बेटे इंस्टीट्यूट ने 5th चैप्टर रखा प्रोजेक्ट फाइनेंस का, मैंने उसको 5A कह दिया है और 5B कह दिया लीज वर्सेस बाय। बेटे थोड़ा सा मैंने लिंकेज चेंज किया है, चैप्टर 6 इंस्टीट्यूट का भी वही है, हमारा भी वही है, डिविडेंड पॉलिसीज डिविडेंड डिसीजंस, इसमें कितने कंसेप्ट्स हैं, 25 कंसेप्ट्स मैंने डिस्कस किए। और बेटे 7A 7B 7C अगर आप ध्यान से देखें तो आपको जो इंस्टीट्यूट ने दिया वो चैप्टर 7 ही दिया है, उसी में वर्किंग कैपिटल है बेटे। लेकिन मैंने वर्किंग कैपिटल को ज्यादा डिटेल में समझाने की कोशिश की, इसलिए मैंने उस वर्किंग कैपिटल में जो इंस्टीट्यूट ने दिया मैंने उसको ब्रेकअप कर दिया बेटे 4 चैप्टर्स में, 7A वर्किंग कैपिटल, 7B कैश मैनेजमेंट, 7C इन्वेंट्री मैनेजमेंट, 7D क्रेडिट पॉलिसी मैनेजमेंट। आप देखिए आपके सामने बेटे मैंने संधि विच्छेद कर दिया, मैंने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की और अलग अलग चैप्टर्स बनाए, अलग अलग कंसेप्ट्स बनाए बेटे। रिसीवेबल्स मैनेजमेंट और क्रेडिट पॉलिसी मैनेजमेंट या डेटर्स मैनेजमेंट एक ही भाषा है। और लास्ट में इंस्टीट्यूट ने 2 चैप्टर्स बनाए, एक बनाया सिक्योरिटी एनालिसिस का 8th चैप्टर और एक बनाया पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 9th। और बेटे आप चेक करिए मैंने उसको एक ही चैप्टर बना दिया सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। मोटा मोटी बात यह है कि सब कुछ मैंने कवर किया है, आपको मेरी रिलेशनशिप से चलेंगे तो थोड़ा सा बढ़िया रहेगा। अब मैं आ रहा हूं दूसरी बातों में कि आपको अपनी लाइफ में आने वाले दिनों में किस तरह से मेरे लेक्चर्स को देखना चाहिए। बेटे बेटे ईमानदारी से मैं बताऊंगा आपको, मैंने वो जो लेक्चर्स बनाए हैं थ्योरी को समझाया, प्रैक्टिकल को समझाया और उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप के लेक्चर्स बनाए हैं हर चैप्टर में। बेटे लगभग 2-3 लेक्चर मेरे ऑब्जेक्टिव टाइप के ऊपर है, वो बड़े बड़े लेक्चर्स हैं। तो आप प्लीज रजिस्टर ओपन करें, पहले ये शीट लिखना बहुत जरूरी है। बेटे मैंने पहला कॉलम बनाया है प्रेफरेंस का, और बेटा एक फुट्टा एक रूलर जरूर खरीद लो क्योंकि हम लाइंस भी डालेंगे, कैलकुलेटर भी होगा, पेन भी होगा, मार्कर भी होंगे, मेरी बुक भी होगी बेटे। बेटे बुक आपको हार्ड कॉपी अगर आपने मंगवाई होगी तो आपको हार्ड मिल चुकी होगी, 2 किताबें हैं, एक थ्योरी कंसेप्ट की एक ऑब्जेक्टिव टाइप की, और अगर सॉफ्ट मंगवाई होगी तो आपने प्रिंट आउट निकाल लिया होगा। बेटे यकीन इस बात का मैं आपको कह सकता हूं, अगर आपने मेरे हिसाब से काम कर दिया तो दोस्तों सिकंदर बना के छोड़ूंगा, सिकंदर बना के छोड़ूंगा, सिकंदर बना के छोड़ूंगा। आप प्लीज लाइंस ड्रॉ करें बेटे। पहला कॉलम मैंने रखा है प्रेफरेंस का, दूसरा कॉलम रखा है बेटे नेम ऑफ चैप्टर का, इन्हीं चैप्टर्स को मैंने किस तरह से आपको बोला कि आपको करना है। आपको तो सारे लेक्चर्स मिल गए, मिल जाएंगे या मिल गए होंगे, आपने डाउनलोड भी कर लिए होंगे, लेकिन मैं आज के लेक्चर से ये बताना चाह रहा हूं कि आपको पहला चैप्टर कौन सा देखना है, फिर दूसरा कौन सा देखना है, क्या मेथोडोलॉजी होनी चाहिए। प्लीज अंडरलाइन करें और नोट करें, पहला चैप्टर है प्रेफरेंस 1 में वर्किंग कैपिटल का, जो हमने अभी भी दिखाया 7A, मेरी बुक का 7A बेटे। उसमें मैंने थ्योरी और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को डिस्कस किया 6 लेक्चर्स में,
इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप वाले लेक्चर्स नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के अलग से लेक्चर्स हैं, वो मैं अभी बताऊंगा। पहले मैं चाहता हूं कि आप कोई भी चैप्टर करें उसका पहले थ्योरी वाला और प्रैक्टिकल वाले वीडियोस करें अच्छी तरह से, क्योंकि तीन स्टेप्स मैंने बताए हुए हैं। दूसरा है बेटे, दूसरी प्रेफरेंस आपको देनी चाहिए जो हमारी बुक में चैप्टर 3 है, फाइनेंशियल डिसीजंस, और इंस्टीट्यूट की स्टडी के हिसाब से हमने इसमें दो चैप्टर्स इंक्लूड कर दिए, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स, फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जगह नहीं थी, मैंने लिखा नहीं बेटे, 18 लेक्चर्स थे किसके, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। उसके बाद आ जाइए बेटे, बेटे प्रेफरेंस 3 देनी चाहिए राइट शेयर्स को, चैप्टर 4 राइट शेयर्स, बेटे चैप्टर 4 राइट शेयर्स, इसके दो लेक्चर्स हैं। फिर प्रेफरेंस देनी चाहिए बेटे आपको कैपिटल बजटिंग की, 2B, बेटे पहले 2B करेंगे, पहले 2A नहीं करना, पहले 2B, इसके 15 लेक्चर्स हैं मेरे बेटे। फिर प्रेफरेंस देनी चाहिए फिफ्थ प्रेफरेंस 2A को, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसके बेटे 3 लेक्चर्स हैं। प्लीज लिखो बेटे, चैप्टर के नाम लिखोगे ना तो थोड़ी दोस्ती हो जाएगी यार। बेटे खाली सुनकर क्या फायदा होना ये बताओ आप, हजारों यूट्यूब पे लेक्चर्स हैं, मेरा मन है कि मैं आपको बेनिफिट दूं, तो आपको बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठेंगे बेटे, ईमानदारी से। आइए आइए सिक्स बेटे, सिक्स प्रेफरेंस देनी चाहिए जो हमारी बुक में 5B है, लीज वर्सेस बाय। बेटे सेवंथ प्रेफरेंस देनी चाहिए डिविडेंड डिसीजन को, बेटे डिविडेंड डिसीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैंने हर चैप्टर में गूगल की मदद ली है, आपको प्रैक्टिकल केस स्टडीज बताई है, हर कंपनी के बारे में बताया है, बेटे पूरी रियल लाइफ को जोड़ने की कोशिश की है, जिससे कि आपको उसका क्रक समझ आए कि वो चैप्टर करना क्यों चाह रहे हैं। तो बेटे डिविडेंड डिसीजन के 7 लेक्चर्स हैं। बेटे आठवीं प्रेफरेंस आपको देनी चाहिए सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये आपको कैपिटल मार्केट वाले पेपर में भी मदद करेगा। बेटे मैंने बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराए हैं, रियल लाइफ की केस स्टडीज बताई हैं, सेंसेक्स की बातें की हैं, निफ्टी की बातें की हैं, और एक 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 व्यक्ति एक इन्वेस्टर कैसे एनालाइज करता है चीजों को। बेटे फंडामेंटल एनालिसिस, बेटे टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल में इकोनॉमिक एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस, कंपनी एनालिसिस, सारी बातों को मैंने ह्यूज डिस्कस किया है। तो इस तरह से प्रेफरेंस देंगे, और प्रेफरेंस 9 देनी चाहिए कैश मैनेजमेंट को, जो चैप्टर 7B है हमारी बुक का। प्रेफरेंस 10 देनी चाहिए इन्वेंटरी मैनेजमेंट को, जो चैप्टर 7C है, और बेटे क्रेडिट पॉलिसी को लास्ट प्रेफरेंस देनी चाहिए। इस तरह से अगर आप देखें ध्यान से, तो बेटे आपके क्वेश्चंस पता कितने बन जाते हैं, कितने बन जाते हैं, 79 लेक्चर्स बन जाते हैं थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। एक बच्चा घबरा गया कि 60 नंबर में 79 लेक्चर्स। बेटे ये लेक्चर्स ऐसे हैं कि एक भी लेक्चर में मैं आपको सोने नहीं दूंगा, आपको लगेगा कि मैं बिल्कुल बाहर आ रहा हूं स्क्रीन से और आपका कान पकड़ रहा हूं, जब आप ढीले हो गए आप देख लेना। और बेटे ये सारे लेक्चर्स कोई 15 मिनट का है, कोई 20 मिनट का है, अच्छे लगेंगे आपको। आप नंबर ऑफ लेक्चर्स में मत जाओ यार, आप ईमानदारी से उन लेक्चर्स के कंटेंट को देखो। और बेटे 21 से 22 लेक्चर, वैसे तो ज्यादा है, मैंने जान के 21 लिखा क्योंकि 79 प्लस 21 100 बन रहा था, तो मैंने कहा इस तरह से अगर हम लिखें तो 100 वीडियो लेक्चर्स, छोटे छोटे गुलाब जामुन, छोटे छोटे रसगुल्ले, बेटे वीडियो लेक्चर्स आप छोटे छोटे 100 अटेंड करने वाले हैं, बड़ा ही मजा आने वाला है आपको, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ। आप सभी चैप्टर्स में क्या करेंगे, आप क्या टेक्निक होनी चाहिए, ये बात मैं बताने जा रहा हूँ। बेटे स्टेप नंबर 1 आपका होना चाहिए, आपको जो भी मैं थ्योरी के कंसेप्ट्स बताऊंगा आपको रजिस्टर में लिखने हैं। वैसे तो मैंने उन लेक्चर्स में भी बोला कि आप लिखो, बेटे अभी भी बता रहा हूँ आपको नोट डाउन करने हैं। ये बात बिल्कुल मन में नहीं होनी चाहिए कि इसके ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, यार हो ही नहीं पाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप जब तक थ्योरी और प्रैक्टिकल नहीं करोगे। तो बेटे स्टेप नंबर 1 ऑल थ्योरी कंसेप्ट्स। उसके बाद देखिए ये घड़ा टूट रहा है, देखिए लीक कर रहा है, और ये जा रहा है इसके नीचे, चेक करिए ये इसके नीचे जा रहा है। बेटे फिर स्टेप नंबर टू है मेरे बेटे, सॉल्व प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। फिर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं, पहला स्टेप है सारे थ्योरी क्वेश्चंस करने, ठीक है जी, थ्योरी कंसेप्ट समझे जो मैंने लेक्चर्स में दिए, आप बस लेक्चर अटेंड करिए, आपको उसी में मैंने थ्योरी दिया उसी में प्रैक्टिकल दिया, आपको टेंशन मत लेना। कहने का मतलब है आपको पहले वो वाले मेन लेक्चर्स करने हैं, फिर मेरे स्टेप नंबर 3 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लेक्चर्स करने हैं। बेटे मैंने लगभग 1000 क्वेश्चन दिए होंगे,
किसी की किताब में इतने नहीं है जितने मैंने दिए। और दूसरी बात, हमने हर चैप्टर को बेटे कंसेप्ट में डिवाइड किया है, तो मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को भी कंसेप्ट में डिवाइड किया है। बेटे दावा इस बात का है, इस दुनिया में किसी ने कोई किताब ऑब्जेक्टिव टाइप की कंसेप्ट वाइज नहीं बनाई होगी, भूपेश आनंद को छोड़कर। तो स्टेप नंबर 3 लिख लीजिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अब बेटे सवाल आता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप जब मैं बुक दूंगा, एक तो बुक ये है, एक अभी मेरे सामने नहीं पड़ी भी दिखा रहा हूं, दूसरी बुक एक और है जो खाली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की है, जिसमें कॉन्सेप्ट्स ही कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे दिया। बट उसमें मैंने 5 कैटेगरीज बनाई है। एक तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की कैटेगरी बनाई है, एक क्वेश्चन दिया होगा नीचे चॉइस दी होंगी, आपको उसमें से बेस्ट चॉइस लेनी है। फिर दूसरी कैटेगरी है बेटे ट्रू फॉल्स की, आपको एक स्टेटमेंट दी होगी उसमें हाँ या ना का आंसर बताना है। बेटे एक होगा फिलिंग द ब्लैंक, रिक्त स्थान भरो। बेटे आपको मिसकंसेप्शन है कि ऑब्जेक्टिव टाइप में खाली मल्टीपल चॉइस, नहीं बेटे 5 कैटेगरीज है, भूपेश आनंद ने 5 कैटेगरीज दी है। बेटे मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, आपको लेफ्ट हैंड साइड में हीरोज दिए होंगे, राइट हैंड साइड में हीरोइनें दी होंगी, जैसे आलिया दी होगी, कैटरीना दी होगी, करीना दी होगी, करिश्मा दी होगी, अलग अलग हीरोइनें दी होंगी, प्रियंका चोपड़ा दी होगी, यहां पे उनके हीरो दिए होंगे या हस्बैंड दिए होंगे, अब वो मिक्स होंगे, आपको मैच करना है। तो मैच द फॉलोइंग। और बेटे लास्ट में है केस स्टडी, आपको एक केस स्टडी दे देंगे, आपको पढ़नी है और नीचे आपको कुछ ना कुछ एक एक लाइन के क्वेश्चंस के आंसर्स पूछेंगे। तो बेटे मैंने अपनी ऑब्जेक्टिव टाइप में 5 कैटेगरीज बनाई हैं और उन सारे वीडियोस को मैं कहता हूं भैया वो 22-25 होंगे, हर चैप्टर के ऊपर मैंने लगभग 100 क्वेश्चंस दिए, इसका मतलब लगभग आप 1000 क्वेश्चंस कर डालेंगे। मुझे ऐसा लगता है इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आज जो बताने वाला हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटे, आज मैंने एक्चुअली में लेक्चर जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मैं वर्किंग कैपिटल की इंट्रोडक्शन के लिए कर रहा हूँ। आपको याद होगा अभी मैंने दिखाया था प्रेफरेंस 1 में आपको सबसे पहले जो लेक्चर करना चाहिए बेटे वही वर्किंग कैपिटल ही है जो करना चाहिए। इसलिए आपको भले सारे वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हो लेकिन आपको पहले वर्किंग कैपिटल का ही चैप्टर करना है। तो मैं भूपेश आनंद आपको यही बताने जा रहा हूं कि आप वर्किंग कैपिटल का चैप्टर 7 ही पहले करेंगे। अब इसमें बेटे ये चैप्टर में 332 नंबर से 380 नंबर तक, पेज नंबर 332 से 380 जैसे अभी दिखाया था मैंने आपको, ये देखिए ये 332 से 380, ये देखिए 332 से 380 दिख रहा है आपको बेटे, और हाईलाइट ये 332 से 380 24 इसमें कंसेप्ट्स हैं, अभी देख लेते हैं। ये देखिए बेटा ये वर्किंग कैपिटल का मैंने जो बुक बनाई है उसमें वर्किंग कैपिटल 7 है, इसमें बेटे ये कंसेप्ट्स लिखे हैं, हमने हर चैप्टर को कंसेप्ट्स में डिवाइड किया है, इसीलिए ऑब्जेक्टिव टाइप को हम कंसेप्ट्स में डिवाइड कर पाए। बेटे 24 कंसेप्ट्स, बेटे मैंने 24 कंसेप्ट्स लिखे हैं, इसके बाद थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस लिखे हैं। भले आपको नहीं आएगा, मैंने कहा फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपकी लाइफ का एक एसेट है, आप इसके बाद कोई भी पेपर देते हैं इस दुनिया का बेटे उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा। और बेटे 60 मार्क्स की जब ये नॉलेज गेन करेंगे तो मैं आपको 600 नंबर की नॉलेज देने वाला हूं। आप बात समझ रहे हैं, मतलब मैं बहुत सारी बातें दूसरी भी बताऊंगा जो आपको लगे कि ऐसा ही है तो आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी ड्यूटी पूरी निभाई है। बेटे ये थ्योरी के क्वेश्चंस हैं, फिर हमने उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू कर दिए जो आपको जरूर करने हैं बेटे, जरूर करने हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में एक बात मैं आपको बता दूं कि आपको प्रैक्टिकल जब वो पूछेंगे, जब तक आप बड़े बड़े प्रैक्टिकल, बेटे आप चैप्टर 10 अपना स्टडी का खोल के देखो, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ये होंगे बड़े बड़े, तो हाथ कंगन को आरसी क्या, ऑब्जेक्टिव टाइप को आप बस मजाक मत समझना कि ऑब्जेक्टिव टाइप है प्रैक्टिकल नहीं करने, नहीं बेटे सब करने। तो बेटे मैंने आपकी स्टडी जो न्यू स्टडी है, पुरानी स्टडी जो पहले जमाने में होती थी, सीए के सीएमए के, सारा कुछ मिलाकर उसकी मुगली गुट्टी 555 बनाई है। और ये मुगली गुट्टी आपके सामने 24 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आने वाले लेक्चर्स में, प्रैक्टिकल थ्योरी भी कराऊंगा, उसके बाद आप देखना आपको लगेगा मजाक हो रहा है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो आप कर रहे हैं, मजाक हो रहा है बेटे, आपको लगेगा आप मजाक कर रहे हैं। तो आप सभी तो मैं कहता हूं कि आप ये एक छोटी सी बात नोट करें बेटे, 332 से 380 तक हम थ्योरी में बुक से करेंगे,
कंसेप्ट 24 हैं, थ्योरी के क्वेश्चंस 11 हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस 22 हैं और 5 कैटेगरी के मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप बनाए हैं। लगभग 100 क्वेश्चंस हम इसमें करेंगे और वीडियो लेक्चर्स 6 लेक्चर्स जो हैं थ्योरी और प्रैक्टिकल के हैं और 2 लेक्चर्स 2 या 3 लेक्चर्स ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के लेक्चर्स लंबे लंबे हैं क्योंकि हमने ज्यादा क्वेश्चंस डिस्कस किए, तो बेटे 100 के 100 क्वेश्चंस मैंने वहां डिस्कस किए। तो ईमानदारी से अगर आप करते हैं तो यकीन से मैं कह सकता हूं कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और इसकी नॉलेज आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में यूज कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद आज आपसे विदा लेता हूं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल।